हमें बहुत खेद है माननीय मानविंद्र जी, पूर्व सांसद जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती चित्रा जी जिनका निधन हुआ है, उनका हमें बहुत खेद है। बट यहाँ आने से पहले हमने देखा था कि चित्रा जी की जी यहाँ जो कंडीशन थी वो थोड़ी क्रिटिकल तो थी बट आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो यहाँ से हमारी हाईवे की जो नेशनल हाईवे की टीम होती है एम्बुलेंस टीम, उनको एम्बुलेंस में स्ट्रक्चर पे रख के सीधा अलवर के लिए रवाना कर दिया था। कैसे गाड़ी कैसे आ रही थी, किस तरह के निशान थे, यहाँ कहाँ जैसे आके इतनी दूरी पर टकराई, क्या रहा? गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी, जयपुर के लिए वो लोग जा रहे थे। ड्राइवर के स्टेटमेंट से मैं बता रहा हूँ कि ड्राइवर जो कह रहा था उस हिसाब से गाड़ी को ना तो कोई अहेड था आगे, ना कोई डिस्टर्बेंस हुआ है, कुछ भी दिक्कत नहीं थी ऐसी कि भाई रोड पर कोई ऐसा इलीगल वाहन खड़ा हो या कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी हुई हो जिसकी वजह से गाड़ी अनकंट्रोल होकर मीडियन की तरफ गई है। वो बता रहे थे कि सडनली मेरी गाड़ी का कंट्रोल फेल हो गया था और मैंने गाड़ी को मीडियन में इस कच्चे में जाने के लिए ही अच्छा सोचा, बेहतर सोचा। उनको सामने से एंट्रीटमेंट हमारा जो दिख रहा था उसकी वजह से उन्होंने गाड़ी को कच्चे में धकेल दिया। कितनी दूरी पर चल कर यहाँ टकराई? करीबन 120 मीटर, 120 मीटर की दूरी तक गाड़ी चल के आई है और हमारे मीडियन में प्लांट के लिए जो पिट्स बना रखे हैं उनसे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा है और उनका पैर ब्रेक पे ना लग के एक्सीलेटर पे गया है और वो थोड़े घबराए हुए थे, घबरा के गाड़ी ने वाल को ठोक दिया है। स्पीड कितनी रही होगी, 150 या 200 के आसपास कितनी रही होगी स्पीड? जो हमारी वॉल खत्म जो क्षतिग्रस्त हुई है उसका अनुमान, और वहाँ पे ना कोई ब्रेक है सडनली, ऐसा कुछ अनुमान लगा के गाड़ी की स्पीड 120 अबाव थी। जी, नाम क्या है? मेरा नाम संतराम गुजर है। सर नमस्कार, यहाँ पे सर एक्सप्रेस वे इलीगल पार्किंग खड़ी होते हैं तो हमने क्या ढाबे की वजह से होते हैं वो, तो हमने ढाबों को नोटिस दे रखा है और पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज कर रखी है उनके नाम से, और ढाबों को काफ़ी बार हटाई दिया गया फिर भी वापस वो लगा रहे हैं, तो हम रात दिन उनको हटाने में कोशिश लगे रहते हैं। पेट्रोल टीम तुरंत उनको अनाउंस करती रहती है और गाड़ियों को आगे पीछे करते रहते हैं, और खासतौर विशेष हमने आरटीओ टीम को बुला रखा है, उनको फोन करते हैं तो उनका चालान भी कराते हैं। स्पीड ओवर स्पीड पे बहुत चलते हैं लोग, क्या इसके लिए क्या अवेयरनेस या किस तरह का? सर ओवर स्पीड पे हमने जगह जगह 120 स्पीड का, जैसे छोटी गाड़ी का 120 का है, ट्रक का है इसका 80 का है, बस का 100 का है, साइन बोर्ड लगा रखे हैं लोकेशन जगह जगह पे, फिर भी हमने यहाँ इंटरसेप्ट उनको भी लगा रखे चालान के लिए और हमारे कैमरे लगा रखे हैं, कैमरे से हम चालान को उनको पेश करते हैं। लोगों को जागरूक के लिए या और भी कुछ ऑनलाइन चालान भी प्रक्रिया कुछ है क्या? सर ऑनलाइन चालान यहाँ पे जैसे हमारे VDS कैमरे लगे हुए हैं उनसे ऑनलाइन चालान करा रहे हैं, हमने NHI में सबमिट करते हैं, सबमिट NHI से वहाँ से जा रहे हैं टोटल। और दूसरा हमने सेफ्टी के लिए हमने गाड़ियों का यहाँ पे लोकेशन में जगह पंपलेट दे रखे हैं, टोल बूथों में दे रखे हैं, गाड़ियों के कोरे की वजह से धीरे चले हैं फिर भी, और यहाँ पे आई कैम भी लगाया था अभी 2-4 दिन पहले, अभी जो सेफ्टी अभियान चल रहा है अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह, इसके हमने वो भी कर रखा जागरूक अभियान लगा रखा है।
एक्सीडेंट हुआ है उसको लेकर के अभी पूरी तरह से क्या पुष्टि पुलिस के पास आ पाई है, कौन गाड़ी चला रहे थे, क्या स्पीड को लेकर के अभी आकलन हो पाया है, सीसीटीवी को सामने आए हैं? बिल्कुल, अभी एक सोशल मीडिया पर मैंने वीडियो देखा था, संभवतः ऐसी एक्सीडेंट का प्रतीत होता है। उसमें गाड़ी स्पीड से जा रही है और अपने राइट हैंड साइड में जो दोनों रोड्स के बीच में जो खाली जगह होती है डिवाइड, उसमें मूव करती है और सामने जो आपकी पुलिया है उसको जोर से हिट करती है, इतना वीडियो में प्रतीत हो रहा है। और जैसे बात हुई जो इंजर्ड थे उनसे, और उसमें जो प्रोफेशनल ड्राइवर है उसी का चलाना अभी तक पाया गया है, तथापि पूरे बिंदु हम जांच कर रहे हैं अभी। इसमें दो एयरबैग खुलना पाया गया है जो हमारे नॉलेज में आया है, बाकी एयरबैग क्यों नहीं खुले इस संदर्भ में भी टेक्निकल जांच करेंगे पूरी। अब उनको आगे रात को रेफर कर दिया था, कुछ इलाज की कैसी स्थिति उनके स्वास्थ्य? बिल्कुल नीट वेस्ट यहाँ पर इलाज दिया गया था, और फिर जैसे डॉक्टर्स को लगा उन्होंने उनको पारस हॉस्पिटल है आपके गुड़गांव के पास, वहाँ गुड़गांव में वहाँ रेफर कर दिया गया, वहाँ पर वो रात में पहुँच भी गए थे, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, और जो डेड बॉडी थी वो उनकी जो पेरेंटल जो निवास है वहाँ के लिए रवाना हो गई। लगातार एक्सप्रेस वे पर जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से और आगे किस तरह का और? बिल्कुल, इस पर कॉम्बेट करने के लिए दो हमने हाईवे मोबाइल लगाई हुई है, वो रेगुलरली मूव कर रही हैं, और कहीं कोई वाहन पार्क नहीं हो इसको मॉनिटर करती हैं, और नो पार्किंग के चालान बना रही हैं, वो लोगों को गाइड कर रही हैं दोनों तरफ जो टोल्स हैं वहाँ समझाइश कर रही हैं कि आपको किस लेन में चलना है और कितनी स्पीड में चलना है, और तथापि साइनेज भी लगे हुए हैं और साइनेज बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इंटरसेप्टर भी वहाँ लगाता रहती है जो ओवर स्पीड के चालान करती है, और उसमें और हम स्पीड अप करेंगे इस कार्य में।